गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे भारत में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस पर राजधानी लखनऊ में काफी धूम है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की झांकी भी ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहो श्री राम सबका मालिक एक है बस अलग अलग है नाम के माध्यम से एकता सौहार्द और प्रेम का संदेश देने की कोशिश करेगी। इस पर सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने TV24 से खास बातचीत की और बताया कि क्या है इस झांकी में। जो विषय है वो तत्काल जो समस्याएं वो हम जो देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं समस्याओं को देखकर हमने ये झांकी बनाई कि ईश्वर कहे अल्लाह कहे वाहेगुरु कहे या जय श्री राम कहे सबका मालिक एक है अलग अलग है नाम। तो ये जो धर्मों के नाम पर दूरियां आज बढ़ती जा रही है उसका कारण केवल अज्ञान है और कोई कारण नहीं है। ईश्वर एक है जिसे हजार नाम है हर भाषा में उसका एक नाम है। ईश्वर एक है चाहे उसे अल्लाह कहे या ईश्वर कहे पानी कहे या वाटर कहे तो दोनों का मानी तो एक ही है। इसी तरह ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु चाहे कहे श्री राम सबका मालिक एक है अलग अलग है ना। नमस्कार आप देख रहे हैं TV24 मैं हूं आपके साथ अंकिता भट्ट। ईश्वर अल्लाह एक है चाहे कहो श्री राम सबका मालिक एक है। जी हां इसी के माध्यम से हम अभी पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक। आइए उनसे बात करते हैं इसके पीछे की वजह क्या और इसका उद्देश्य क्या है। जी सर देखिए ये जो आज समाज में दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे बढ़ रहे हैं मारामारी और कत्लेआम और खून खराबा बढ़ रहा है हिंदू मुस्लिम में तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने झांकी ये बनाई है। इस झांकी में नए तरह का गाना है कि नाम तो अनेक हैं लेकिन वो ईश्वर तो एक ही है और एक ही ईश्वर की ओर से सारे अवतार आए राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद नानक ईसा बाब बाहुल्ला जुरास्टर मोसेस अब्राहम भगवान महावीर ये सब एक परमात्मा की ओर से आए और इन सब का संदेशा एक ही है। द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द रिलीजन इज टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द ह्यूमन रेस एंड टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ लव एंड फेलोशिप अमंगस्ट मेन। तो हर धर्म का एक उद्देश्य है। जी सर इस बार की झांकी को तीन भागों में बांटा गया है और कई सारी चीज़ें एक साथ दिखाने का प्रयास किया है इसका उद्देश्य। देखिए झांकी को ये तीन भागों में इसलिए बांटा गया है कि पहले भाग में ये अवतार दिखाए गए हैं और इन सब अवतारों को भेजने वाला ईश्वर एक है। दूसरे में पूजा स्थल दिखाए गए हैं चाहे मंदिर हों मस्जिद हों गिरजे हों गुरुद्वारे हों सब में कहीं भी पूजा करें उनको सुनने वाला ईश्वर एक है। और तीसरे भाग में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को लेकर के ये जो न्यूक्लियर बम आदि दुनिया में भरी पड़ी है इसके लिए संत और महात्माओं ने सब ने प्रार्थना की है कि सब में शांति हो एकता हो। तो इसके लिए ऊपर आप देख रही हैं कि वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनाई गई है कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट की ज़रूरत है और उसके आगे आप देखें तो सारा वसुधैव कुटुंबकम ये पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है इसका दृश्य दिखाया गया है। फिर गांधी जी हैं तो जो कह रहे हैं न बुरा देखो न बुरा सुनो न बुरा कहो तो ये तीन बंदर हैं गांधी जी के वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो झांकी का उद्देश्य है बच्चों को और समाज को एक प्रकाश देना जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि किस प्रकार जगदीश गांधी ने इस झांकी को तीन भागों में क्यों बांटा है उसकी पीछे की वजह बताई और साथ ही साथ वसुदेव कुटुंबकम का उद्देश्य क्या है वो भी समझाया। तो कैमरा पर्सन शुभम के साथ TV24।